गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं प्रशांत पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं द प्रयास फाउंडेशन की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम कई बार अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं, हम अपनी पूरी एफर्ट्स देते हैं और उसके बावजूद अगर हमारे कुछ नंबर कम होते हैं तो वो नंबर कम होने का कारण क्या होता है, वो होते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट बारीक बारीक पॉइंट्स। हम पढ़ते वक्त बड़े बड़े पॉइंट्स को याद रख लेते हैं लेकिन छोटे छोटे अक्सर पॉइंट्स हम लोग स्किप कर जाते हैं। तो चलिए हम उन्हीं छोटे पॉइंट्स पर भी फोकस करते हुए आज आपका पहला टॉपिक ट्यूब फीडिंग लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं हम आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कि ट्यूब फीडिंग होता क्या है, देन आफ्टर देखेंगे हम लोग की डेफिनेशन, उसके बाद में ट्यूब्स कौन कौन सी यूज होती है, फिर बात करेंगे हम लोग की फीडिंग पैटर्न कैसा होता है, फिर बात करेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है और उसके बाद में उसको इंट्यूबेट करने का प्रोसीजर क्या होता है, फिर बात करेंगे कि असेसमेंट ऑफ प्लेसमेंट, मतलब आपने वो ट्यूब लगाई है लेकिन आप कैसे कंफर्म करेंगे कि जो ट्यूब की लोकेशन है आपने उसको सही जगह प्लेस किया है, एंड एट लास्ट वी विल सी रिमूवल ऑफ द ट्यूब कि ट्यूब को रिमूव करते वक्त आपको क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। दोस्तों, ट्यूब फीडिंग से सिंपली हम क्या समझते हैं, ट्यूब फीडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को एक ट्यूब है, इस ट्यूब के थ्रू हम लोग कहाँ पहुँचा रहे हैं, स्टमक तक। मतलब ट्यूब फीडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एक ट्यूब का यूज करके जो भी न्यूट्रिएंट होता है, जो भी फूड सब्सटेंस होते हैं सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, उनको हम लोग कहाँ पहुँचा रहे हैं, स्टमक में। अब ये क्यों किया जाता है, कई कंडीशंस ऐसी होती है मेडिकल कंडीशंस जिसमें जो फूड है उसको ओरल इंटेक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ओरली हम लोग फूड को कंज्यूम नहीं करवा पाते पेशेंट्स, तो बस उन्हीं कंडीशन में हम लोगों को ट्यूब फीडिंग करवाना जरूरी होता है। फिर बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन की। जैसा कि अभी हम लोगों ने हमारे इंट्रोडक्शन में देखा है कि ट्यूब फीडिंग होता क्या है, ट्यूब फीडिंग एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर होती है। ठीक है, आपको याद रखने के लिए सिंपली एक ट्रिक है कि ट्यूब फीडिंग क्या है, अन आर्टिफिशियल प्रोसीजर। आर्टिफिशियल प्रोसीजर किस चीज का है, फॉर द प्रोविजन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, मतलब फूड सब्सटेंस को प्रोवाइड करने की प्रोसीजर होती है वाई यूजिंग अ ट्यूब। ठीक है, सिंपली डेफिनेशन है कि ट्यूब फीडिंग इज एन आर्टिफिशियल प्रोसीजर इन विच अ ट्यूब इज यूज टू प्रोवाइड फूड सब्सटेंसेस। ओके, अब हम बात करते हैं ट्यूब की। तो बेसिकली चार टाइप के ट्यूब्स हम लोग यूज करते हैं ट्यूब फीडिंग के लिए। अब वो जो ट्यूब्स हैं वो अपनी लोकेशन के हिसाब से देखी जाती है और सबसे पहली ट्यूब है, सो फ्रेंड्स उनमें सबसे पहली है हमारी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो नाक से स्टमक तक कर मतलब नोज से स्टमक तक की ज्वाइनिंग करती है। फिर होती है नेजो डुओडिनल और नेजो जेजुनल ट्यूब। ये जो वर्ड्स हैं इनको हम लोग देख सकते हैं दो दो वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, एक नेजो और सेकंड हो गया गैस्ट्रिक, मतलब नेजो इंडिकेट करता है नोज को और गैस्ट्रिक इंडिकेट करता है स्टमक को। फिर हो गया नेजो डुओडिनल, मतलब नेजल रूट से वो डुओडिनम तक पहुंचती है। नेजो जेजुनल, या तो नेजो नेजल रूट से जेजुनल तक पहुंचती है। फिर बात करते हैं दो स्पेशल प्रोसीजर्स की, एक होता है गैस्ट्रोस्टोमी और एक होता है जेजुनोस्टोमी। गैस्ट्रोस्टोमी क्या होता है, जब स्टमक होता है, ये हमारा स्टमक है मान लीजिए बेली एरिया, सॉरी हाँ जो स्टमक है यहाँ पर ही एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाती है और इसी ओपनिंग से एक ट्यूब डाला जाता है स्टमक के अंदर। डायग्राम से आप सिर्फ एक इमेजिनेशन कीजिएगा कि एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाती है, जो भी हमारा ट्यूबिंग होती है उन ट्यूबिंग को डायरेक्टली वहां पर ही इंसर्ट किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोस्टोमी। बेसिकली फ्रेंड्स ये जो वर्ड्स हैं इनको दो दो वर्ड के हिसाब से बनाया जाता है, गैस्ट्रो इंडिकेट करता है स्टमक वाले एरिया को और स्टोमी, ओस्टोमी मतलब कोई भी एक सर्जिकली ओपनिंग आर्टिफिशियली बनाना। ठीक है, और एक ठीक वैसे ही बात करें हम लोग जेजुनोस्टोमी, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जेजुनो और स्टोमी। जेजुनो इंडिकेट करता है जेजुनम को, हमारी इंटेस्टाइन वाला जेजुनल वाला पार्ट, और ओस्टोमी मीन्स एक सर्जिकल ओपनिंग, और उन्हीं उसमें भी सेम सिमिलर प्रोसेस किया जाता है, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग करके एक ट्यूब को फिट किया जाता है, इंट्यूबेट किया जाता है और उसी से फिट करवाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फीडिंग पैटर्न की, किस हिसाब से हम लोगों को फीडिंग पैटर्न रखना चाहिए। सो सिंपली अगर हम बात करें बोलस अगर प्रोवाइड करना है इंटरमीटेंट, थोड़ी थोड़ी देर में जब हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं वायर ट्यूब, तब हम क्या रखते हैं 300 टू 400 ml हमको प्रोवाइड करना है, कितने टाइम में, 30 से 60 मिनट में, मतलब 300 टू 400 ml हमको कंटेंट प्रोवाइड करना है कितने टाइम में, 30 टू 60 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन कैसे, अभी हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया इतने टाइम में इतना, फिर वापस कब देना है,
एवरी 3 to 6 आवर, मतलब 3 से 6 आवर के गैप के बाद में वापस से यही फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ अ ट्यूब, ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो हमारी ट्यूब होती है ट्यूब फिटिंग में उनकी लेंथ कौन कौन सी होती है, तो बता सकते हैं हम लोग 18, 22, 26 इंचज की ट्यूब होती है बेसिकली। फिर बात करते हैं हम लोग ड्रिप मेथड की, जो हमारी ड्रिप मेथड होती है उस ड्रिप मेथड से हम लोग कैसे ट्यूब फीडिंग करवा सकते हैं या कैसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 30 to 60 ml पर मिनट, मतलब हमको एक मिनट में 30 to 60 ml प्रोवाइड करना है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग अब इंट्यूबेशन की, सिंपली एक जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर हम लोग इंट्यूबेट करते हैं तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि हम लोगों को हमेशा इंट्यूबेशन लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल में करना होता है। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हमारा जो राइट नोस्ट्रिल है, जो उस राइट साइड हमारा जो सेप्टम है वो थोड़ा सा डेविएटेड होता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे एनजी ट्यूब के टाइप्स की। सो कितने टाइप्स के हमारे एनजी ट्यूब होते हैं? बेसिकली हमारे एनजी ट्यूब्स होते हैं वो है 3 टाइप के, एक लेविन ट्यूब, सेकंड होता है सेलेम सम्प, और थर्ड होता है हमारा डोबो। बेसिकली क्या होता है, जो लेविन ट्यूब होता है वो सिंगल लुमेन का होता है, सेलेम सम्प होता है ये डबल लुमेन में होते हैं, और जो डोबो होते हैं ये सिंगल लुमेन छोटे स्मॉल बोर में। अब मैं आपको ऐसे बताऊंगा समझ नहीं आएगा, ये कभी एक इमेज शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आप समझ सकते हैं। जो लेविन ट्यूब है वो सिंगल, जो सिंगल लुमेन, मतलब लुमेन मतलब एक सिंगल ओपनिंग, और जो सेलेम सम्प है वो डबल ओपनिंग में, और एक जो डोब ऑफ है वो स्मॉल सिंगल ओपनिंग सिंगल लुमेन में है और स्मॉल बोर में है, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पर इसकी एक इमेज शो हो रही होगी, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि नेसोगैस्ट्रिक जो ट्यूब है उसके कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली इनका सिर्फ पर्पस ट्यूब फीडिंग ही नहीं होता है, साथ ही साथ अगर गैस्ट्रिक इरीगेशन हो करना हो, सक्शन करना हो, तो उनमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पेशेंट को एक पोजीशन देना होती है। पोजीशन कौन सी देनी है हम लोग? हाई फॉलर पोजीशन, ये पोजीशन रहेगी हाई फॉलर। अभी आपको एक स्क्रीन पर एक इमेज शो रही होगी इस पोजीशन के, हाई फॉलर पोजीशन में देंगे हम लोग पेशेंट को, हाई फॉलर पोजीशन देंगे सबसे पहले। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ट्यूब होती है उस ट्यूब की मेजरिंग करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमारा जो नोज है, ये नोज है, यहाँ से लगा करके उस ट्यूब की जो मेजरिंग है उसको ईयर लोब तक, और ईयर लोब से लगा करके ज़िफोइड प्रोसेस तक ले जाना है, स्टर्नम की ज़िफोइड प्रोसेस तक, ठीक है। एक इमेज अभी शो हो रहा होगा आपको, उससे क्लियर हो जाएगा कि इसकी मेजरिंग कैसे करना है। सबसे पहले हम लोगों को नोज पर, नोज से उसको ईयर लोब तक ले जाना है, और वहाँ से उसका जो एंड पॉइंट है उसको ज़िफोइड प्रोसेस, और जो हमारा आखिरी वाला जो पॉइंट है वहाँ पर हम लोगों को टेप से मार्किंग कर लेना है, ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि हमको सिर्फ इतना ही ट्यूब हमको इंसर्ट करना है, ठीक है, सिंपल है। फिर जो हमारी जो ट्यूब होती है उस ट्यूब की जो एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम लोगों को इंसर्ट करना है, उसको 2 से 3 इंच तक हम लोगों को एक वाटर सोल्यूबल जेली से ल्यूब्रिकेट कर देना है। वाटर सोल्यूबल जेली से ल्यूब्रिकेट कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारी इंटरनल म्यूकोसल लेयर होती है उसको डैमेज नहीं करेगा, इरिटेट नहीं करेगा, और प्लस कुछ लोग का सवाल हो सकता है कि वाटर सोल्यूबल क्यों, ऑयल सोल्यूबल क्यों नहीं। अगर बाय चांस अगर वह हमारे ब्रोंकस में चली गई इंसर्ट करते वक्त और ब्रोंकस में पहुंच गई तो वो निमोनिया कोज कर सकती है, इसलिए उसको हम लोग वाटर सोल्यूबल जेली प्रेफर करते हैं। अब इंसर्ट करना है, इंसर्ट करते वक्त क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि अपना जो हेड है उसको थोड़ा सा बेंड कर दे। जब वो हेड थोड़ा सा झुका देगा तो एपिग्लोटिस जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। जब एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है तो उसकी जो चांस होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स में जाने के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और जो ट्यूब होती है वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाती है, ठीक है। अब आप एक एनिमेशन देख रहे होंगे बोर्ड की स्क्रीन पर, कैसे हमारा एपिग्लोटिस वर्क करता है, ठीक वैसे ही जैसे ही एपिग्लोटिस क्लोज होता है तो हमारा जो ट्रैक होता है वो हमारा जीआई ट्रैक वाली ओपनिंग के लिए पासवे प्रोवाइड कर देता है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको हम लोग इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो ट्यूब है उसको स्वेलो करे, धीरे धीरे निकले, और हम लोगों को कैसे प्लेस करना है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड पोजिशन में उसको इंसर्ट करना है। ध्यान रखना दोस्तों कि अगर इंसर्ट करते वक्त अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कफिंग हो या किसी और टाइप की चोकिंग हो, तो हम लोगों को ट्यूब वापस तुरंत निकाल लेना है, ठीक है। इतना हम लोगों को प्रोसीजर समझ में आया। इसके बाद में हमें जो ट्यूब है उसको अपने मेजरमेंट तक जाकर के फिक्स कर देना है और एडिसिव से उसको एक जगह पर लगा देना है। फिर हम लोगों को असेसमेंट ऑफ द प्लेसमेंट की ट्यूब जो हमारी है वो सही जगह पर लगी है या नहीं लगी उसको असेस करना है। अब उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका है रेडियोग्राफिक से हम लोग पता सकते हैं। सबसे पहले इजीली होता है एक्सरे से हम लोगों को पता लग जाता है कि जो हमारी ट्यूब है एनजी ट्यूब वो हमारे स्टमक में गई है या नहीं गई है। हम लोग जब एक्सरे इमेज लेते हैं तो वो ट्यूब अलग से दिख जाती है, जैसे आपको अभी एक इमेज में शो रहा हो रहा होगा।
फिर बात करते हैं पीएच मॉनिटरिंग। पीएच मॉनिटरिंग से भी पता लगा सकते हैं क्यों कैसे, जब हम लोग, हमें पता है कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक का जो पीएच है वो हाईली एसिडिक होता है, लेस देन 4 समथिंग हम लोग जब मेजर करते हैं तब बात है। जब हम लोग स्टमक का पीएच मेजर करेंगे या जो हमारा जो कंटेंट है, जो भी हमारी ट्यूब है, उस ट्यूब से हम लोग उसको एस्पायरेट करेंगे, खींचेंगे और उस कंटेंट को हम लोग चेक करेंगे लिटमस पेपर पे। अगर लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर देता है या हम लोग को पता लगता है कि कंटेंट एसिडिक आ रहा है, मतलब हमारी जो ट्यूब है वो सही जगह पर है। अगर वो ट्यूब में से कंटेंट जो हम निकाल रहे हैं और वो अगर उस कंटेंट का नेचर एल्केलाइन रहा, तो हम लोग को क्या इंडिकेशन मिलता है, क्या लगता है हमें, हमें ये कंफर्मेशन होता है कि जो ट्यूब है वो हमारी वो इंटेस्टाइन के अंदर जा करके लग चुकी है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन का पीएच होता है वो एल्केलाइन नेचर का होता है। ठीक है, फिर एक और मेथड होती है कंफर्मेशन करने की। उस मेथड में हम क्या करते हैं, जो पेशेंट का स्टमक एब्डोमेन वाला एरिया है उस एरिया के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप और इसके ईयर लोब को हमारे कान में लगाते हैं। फिर एक 5 cc की सीरिंज लेते हैं। ठीक है, एक 5 cc की सीरिंज ली, उसके अंदर हम लोगों ने एयर पुश करी। ठीक है, एयर पुश करी और उसी वक्त हम लोग जब सुनेंगे तब हमें क्लियरली साउंड सुनाई देगा, जो हम लोग इधर से एयर फ्लश कर रहे थे, वो एयर पुश कर रहे थे, वही हम लोगों को साउंड हमारे स्टमक में सुनाई देगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो जो ट्यूब है वो स्टमक के अंदर ही जाकर के प्लेस हुई है। ठीक है, असेसमेंट और प्लेसमेंट समझ में आया। फिर बात करते हैं रिमूवल ऑफ द ट्यूब। जब हम लोग, हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाता है तब हमें ट्यूब वापस रिमूव करना होती है, तब हम लोग किन बातों का ध्यान देंगे, हम लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंट को बोलना है कि आप कंफर्टेबल पोजिशन में रहें, पेशेंट को कोऑपरेट करने को कहना है, पेशेंट को एक्सप्लेन भी करना है कि हम लोग आपकी जो ट्यूब है उसको वापस निकाल रहे हैं, और उस वक्त धीरे धीरे हम लोगों को वो ट्यूब निकालना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना, और उस ट्यूब को हम लोग को क्लीन करते वक्त एक कॉटन से क्लीन करते करते निकालना है और उसको हम लोगों को डिस्कार्ड करना है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना थी कि आप सभी की जो भी टॉपिक पढ़ने की इच्छा हो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक थैंक यू। और जिन्होंने भी अब तक ये चैनल, यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारी नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारे अगले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले ही पहुंच जाएं। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें, हो सकता है उन्हें यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट